नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक दुबे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने उपस्थित है। आप लोग कमेंट्स के माध्यम से बिना समय गवाए अतिशीघ्र जो है उत्तर देने का कष्ट करिएगा। देखिए आपके पटल के सामने आपके पटल का पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अकबर ने। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आप लोग। अकबर ने जब 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? आप ऐसा कमेंट्स के माध्यम से जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अकबर ने जब 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? चलिए बहुत सही। देखिए उसमें आपका आंसर बी सही है। आंसर क्या है आपका? बी। अकबर ने जब 1567 ईस्वी पर चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? राणा उदय सिंह। कल मैं इस क्वेश्चन को बताया था जो है इनके दो जो है सेनापति थे। देखिए दूसरा क्वेश्चन चलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, अकबर की सेना में निम्न में से कौन सा राजपूत सेनापति था? दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, अकबर की सेना में निम्न में से कौन राजपूत राजा सेनापति था? दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अकबर की सेना में निम्न में से कौन राजपूत राजा था? ए ऑप्शन है आपका मान सिंह, बी है भानमल, सी है राय सिंह, डी है अमर सिंह। आप लोग ध्यान से उत्तर दीजिएगा। देखिए अकबर की सेना में जो मान सिंह थे ये क्या थे? भगवान दास के पुत्र थे और इनकी बहन का नाम क्या था? मानबाई, जिनका विवाह जहांगीर से हुआ था। ये अकबर के नौ रत्नों में कौन थे? एक हैं। आपका उत्तर ए क्या है? बिल्कुल सही है। आपका उत्तर क्या है? आपका उत्तर बी क्या है? बिल्कुल सही है। अकबर की सेना में निम्न में से कौन सा राजपूत राजा सेनापति थे? आपका उत्तर क्या है? मान सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन तीसरे पर आप लोग देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है, सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बी क्या है आपका हमीमुद्दीन नगौरी, सी है आपका पीर हाजी निजामुद्दीन, डी है आपका गुलाम खान। आप लोग कमेंट्स के माध्यम से जल्दी जल्दी आप उत्तर दीजिएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन है आपका। देखिए कोई भी उत्तर जो है सही नहीं दे रहा है। इस क्वेश्चन में बहुत ही कंफ्यूजन है, बहुत ही कम लोग इसका उत्तर सही दे रहे हैं। जैसे कविता कुमारी बहुत सही उनका उत्तर है, ठीक है, अन्य लोग जो है इसका उत्तर गलत दे रहे हैं। देखिए यहां पर आपका उत्तर है हमीमुद्दीन नागौरी। अब देखिए हमीमुद्दीन नागौरी के कौन थे? ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के क्या थे? शिष्य थे। ये इनके क्या है आपके? शिष्य हैं।
इनका जन्म जो है दिल्ली में हुआ था। इनका जन्म कहां हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और इनकी जो कर्म स्थली थी वह कौन थी? आपकी नागौरी। यह क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? उत्तर भी जिन लोगों ने सही लगाया है वह बिल्कुल सही। आपका उत्तर क्या है? हमीमुद्दीन नागौरी, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के क्या है? आपके शिष्य हैं। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था और यह जो है इनकी कर्म स्थली क्या थी? राजस्थान का नागौरी क्षेत्र था, इसीलिए इनको हमीमुद्दीन नागौरी कहा गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलिएगा। चौथा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। जयानक की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ए ऑप्शन पृथ्वीराज विजय, बी है आपका रागमाला, सी है रागमंजरी, डी है आपका हमीर रासो। देखिएगा चौथा क्वेश्चन, जयानक की प्रसिद्ध कौन सी है? पहला है आपका पृथ्वीराज विजय, दूसरा है रागमाला, सी है रागमंजरी, डी है हमीर रासो। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा चौथे क्वेश्चन का। चलिए बहुत सही, सबका उत्तर बिल्कुल सही आ रहा है। इसका उत्तर ए सही है। जयानक की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पृथ्वीराज विजय। देखिए इस जो है इस पुस्तक में जो है पृथ्वीराज के विजयों का वर्णन किया गया है। यह पुस्तक करीब 1191 और 92 में लिखी गई है। इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान के विजयों का उल्लेख किया गया है, चौहान वंश के विजयों का उल्लेख किया गया है। अब देखिएगा जो भी उत्तर ए लगाया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पांचवें पर। अब देखिएगा पांचवा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक कौन था? ऑप्शन ए है आपका नागभट्ट प्रथम, बी है आपका बाणभट्ट, सी है आपका वासुदेव, डी है आपका मिहिरभोज। आप लोग जल्दी से आंसर दीजिएगा पांचवें क्वेश्चन का। दीजिएगा आप लोग, गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक कौन था? ठीक, बहुत अच्छा। देखिए यहां पर गुर्जर प्रतिहार वंश का जो पहला शासक था वह कौन थे? वासुदेव, जिसका उत्तर सी है, वह जो है बिल्कुल सही है। पांचवें का उत्तर क्या है आपका? सी वासुदेव। हमने बताया था कि जो गुर्जर प्रतिहार अर्थात चौहान वंश, चालुक्य वंश, प्रतिहार वंश और आपका परमार वंश, इन चार राजपूतों के बारे में बताया गया है। कल हमने इसका वर्णन किया गया था कि गुरु वशिष्ठ ने क्या किया था? आबू पर्वत पर, राजस्थान के आबू पर्वत पर उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ करते समय उस अग्निकुंड से चार जो है वंशों की उत्पत्ति होती है। एक आपके चौहान है, दूसरा आपके चालुक्य हैं, तीसरा आपके परमार हैं, चौथा आपके गुर्जर प्रतिहार हैं। इसका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। चलिए आप अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। छठवां क्वेश्चन देखिएगा। हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनौर का युद्ध कहा था? देखिए यहां पर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। ये दो बीच बीच में एक दो क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उन क्वेश्चनों पर आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। जैसे यह क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में किस विद्वान ने खमनौर का युद्ध कहा था? अर्थात जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वह महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। किस विद्वान ने उसको जो है उस युद्ध को
खनौर का युद्ध कहा था। आप लोग जल्दी जल्दी देखिएगा, ऑप्शन ए है आपका कर्नल टाट, बी है बदायनी, तीसरा है अबुल फजल, डी है आपका गोपीनाथ शर्मा। छठा क्वेश्चन का आप लोग आंसर जल्दी जल्दी दीजिएगा। बहुत सही आंसर, बहुत सही आ रहे हैं। बबलू जी बहुत अच्छा, मनु जी आपके आंसर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा। आप लोग देखिए क्या था, 15 जो है तारीख को 15 जून 1576, आपका 15 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। यह युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ। इस युद्ध में अबुल फजल इस युद्ध में गए थे, इन्होंने इस युद्ध को खमनौर का युद्ध कहा था। अब देखिएगा यहां क्या क्या है, हल्दी घाटी का युद्ध किन किन किसके किसके बीच हुआ था, मुगल शासक अकबर के बीच में और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। यह युद्ध 15 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध को हल्दी घाटी युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में अबुल फजल ने क्या किया था, इस युद्ध में भाग लिया था। इन्होंने ही इस युद्ध को खमनौर का युद्ध कहा था। जिन लोगों ने ऑप्शन सी लगाया है इन लोगों का बिल्कुल सही है, जो लोग ऑप्शन सी लगाए हैं उनका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन कौन सा है, सातवां। अब देखिए सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सातवें क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। यहां पर है जेम्स कार्ड है, विलियम थैंकलिन है, जॉर्ज थॉमस है, पैट्रिक लायंस है। आप लोग जल्दी आंसर दीजिएगा। सातवां क्वेश्चन, राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था। ऑप्शन ए है जेम्स टाट, बी है आपका विलियम फ्रैंकलिन, सी है आपका जॉर्ज थॉमस, डी है आपका पैट्रिक लॉरेंस। आप लोग कमेंट्स के माध्यम से जल्दी जल्दी उत्तर दीजिएगा। देखिए इसमें अधिकांश लोगों के उत्तर क्या है, जैसे दीपक जायसवाली का आंसर बिल्कुल सही है, बबलू चौहान जी का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत सही आप लोग, राजू जी आपका आंसर गलत है, मनोज मीना जी आपका उत्तर गलत है। देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो इसका उत्तर क्या है आपका, जॉर्ज थॉमस। इसका आंसर क्या है आपका, जॉर्ज थॉमस। देखिए जो भी जेम्स टाट ने लगाया है, जेम्स टाट ने राजस्थान को रायों की भूमि कहा था। इन्होंने क्या कहा था, राजस्थान को रायों की भूमि कहा था। और स्वतंत्रता से पहले भारत को राजपूताना नाम से जाना जाता था, जिसका ऑप्शन सी सही है। जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। कर्नल टाट ने राजस्थान को रायों की भूमि कहा था, जिसका ऑप्शन सी है वह बिल्कुल सही है। वह क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आठवां क्वेश्चन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए कुछ क्वेश्चन तो इसमें सदाबहार क्वेश्चन है, जो भी पेपर होगा घूम फिर कर क्वेश्चन एन के एन प्रकार पूछेगा, इसीलिए उन क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए जो हर समय हर पेपर में जो है क्वेश्चन पे जो है पूछा जाता है। आप लोगों के सामने ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के सामने है और आप लोग बहुत सही उत्तर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, कुंभलगढ़ का दुर्ग बनवाया था। आठवां क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ का दुर्ग बनवाया गया था। चलिए आप लोग आंसर बहुत अच्छा आप लोग आंसर दे रहे हैं, उनका जी सुमन जी बहुत अच्छा आंसर है आप लोगों का। जितने लोगों ने इसका आंसर दिया सब बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। कुंभलगढ़ का दुर्ग राणा कुंभा, देखिए नाम से ही मिलता है, कुंभलगढ़ का दुर्ग कौन बनवाया था, राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ का क्या किया था, दुर्ग बनवाया था।
अब देखिए यह कहां पर स्थित है, यह राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। अगर देखिए यही घुमा कर क्वेश्चन पूछ सकता है, यह जो है राजस्थान के राजसमंद जिले में क्या है, यह स्थित है, यह वास्तु शास्त्र के आधार पर बनवाया गया था, यह दुर्ग वास्तु शास्त्र को ध्यान में रखकर यह बनवाया गया था, यह राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, जयमल एवं फत्ता का संबंध है। देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, यह क्वेश्चन चाहे उदय सिंह से पूछे, चाहे अकबर से पूछे, चाहे जो है आगरा के किले से संबंधित पूछे, कई स्थानों पर यह जो है क्वेश्चन अपने आप को प्रभावशाली बनाता है, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। जयमल और फतेह, फत्ता या फतेह सिंह का संबंध किससे है? ए ऑप्शन है आमेर, बी है आपका चित्तौड़, सी है आपका रणथंभौर, डी है आपका बुंदेलखंड। आप लोग आंसर दीजिएगा नौवे का। चलिए बहुत अच्छा आप लोगों के आंसर, आप लोग बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, बहुत सही। चलिए इसका संबंध आपके चित्तौड़ से है, या किसकी राजधानी थी आपकी? मेवाड़ की राजधानी। मेवाड़ की राजधानी क्या थी? चित्तौड़। उस समय के शासक कौन थे? उदय सिंह। उस समय के शासक कौन थे? उदय सिंह। उदय सिंह पर आक्रमण कौन किया? अकबर ने आक्रमण किया। इनके दो जो है सरदार थे जयमल और फतेह सिंह, जो है बड़ी ही वीरता पूर्वक लड़ते हुए क्या हो गए, वह इस युद्ध में शहीद हो गए। अकबर ने इनके युद्ध से प्रभावित होकर जयमल और फतेह सिंह का जो है मूर्ति आगरा के किले के सम्मुख बनवाया। ठीक, अब चलते हम अगले क्वेश्चन पे। आप लोगों के सारे लोगों के क्वेश्चन बिल्कुल ही सही हैं, आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन दसवें के लिए। अब आप लोग देखिएगा दसवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि मैं ऐसे दस दुर्गों, देखिए इनका कमेंट देखिएगा, मैं ऐसे दस दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। आप लोग देखिएगा जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि मैं ऐसे दस दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ऑप्शन ए है आपका रणथंभौर दुर्ग, बी ऑप्शन है आपका कुंभलगढ़ दुर्ग, सी है आपका मेहरानगढ़, सी डी है आपका अचलगढ़। आप लोग आंसर दीजिएगा इसका, आप लोगों के आंसर बहुत ही सही आ रहे हैं। ठीक, बहुत सही। देखिए जिन लोगों ने ऑप्शन ए लगाया है रणथंभौर दुर्ग, वे क्या है? बिल्कुल सही हैं। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के क्या थे? संस्थापक थे। जलालुद्दीन खिलजी क्या थे? खिलजी वंश के संस्थापक थे। यह जो है इन्होंने रणथंभौर दुर्ग के बारे में अपनी ऐसे कथानक कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन ग्यारहवें पर। देखिए ग्यारहवां क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ग्यारहवां क्वेश्चन आप लोगों के सम्मुख पेश हुआ है। आप लोग इसके आंसर बहुत ही जल्द और शीघ्र देने का कष्ट करिए। क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है, किस शासक की मृत्यु पर, अर्थात वह कौन सा शासक है जिस पर औरंगजेब ने कहा कि आज कुफ्र, अर्थात कुफ्र मतलब धर्म विरोधी का दरवाजा टूट गया, अर्थात वह कौन सा महान शासक था जिसके बारे में कहा गया कि आज जो है धर्म विरोधी का दरवाजा टूट गया। आप लोग आंसर जल्दी जल्दी दीजिएगा, आप लोग बहुत सही आंसर दे रहे हैं। मोनू गौर जी बहुत अच्छा, चलिए मोनिका यादव आप लोग बहुत, देखिए आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने जमकर तैयारी किया है। देखिए इसका उत्तर आपका है जसवंत सिंह के बारे में। उस समय क्या हुआ, औरंगजेब सबसे ज्यादा परेशान, राज
राजस्थान के शासकों में सबसे ज्यादा परेशान किससे था? जसवंत सिंह। जब जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई तो उसके बारे में क्या कह रहा है कि कहा आरकुफ अर्थात धर्म विरोधी का दरवाजा टूट गया। ऑप्शन बी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर, बारहवें क्वेश्चन पर। बारहवां क्वेश्चन देखिएगा, अपने पुत्र सलीम के जन्म पर, अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के यहां मुगल बादशाह आया था? यहां पर शेख है, यहां पर क्या है आपका, शेख, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, बाबा नरहर पीर झुंझुनू, शेख सलीम चिश्ती आगरा, हजरत निजामुद्दीन दिल्ली। आप लोग बड़े ही ध्यान से इसका उत्तर दीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन का बड़ा मिला जुला आंसर रहा है, कोई यहां पर ए लगा रहा है, कोई सी लगा रहा है। देखिए इसमें कंफ्यूजन मात्र इन दो ऑप्शन को लेकर होगा, क्योंकि सलीम अर्थात जहांगीर का नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर क्या रखा गया था, सलीम रखा गया था। ठीक है, क्योंकि सलीम का जन्म शेख जो है शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से और इन्हीं के खानकाह में हुआ था। लेकिन क्या हुआ है, पैदा होने के बाद जो है कि अकबर पैदल चलकर कहां गए थे, आपके शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर गए थे। कौन है आपका, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, जिसका ऑप्शन ए है उसका बिल्कुल सही है। चलिए आगे, तेरहवें क्वेश्चन देखिए, तेरहवां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। तेरहवां क्वेश्चन है, आदि बराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यार, आदि बराह की ऐसे शासक ने धारण की थी जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह क्या थे, भगवान विष्णु के परम भक्त थे, शिव शिव भगवान शंकर के वह उपासक भी थे। उन्होंने क्या किया था, आदि बराह की उपाधि धारण की। अब आप लोग देखिएगा इनमें कौन शासक है, ए आपका ऑप्शन है परमार भोज, बी है आपका मिहिर भोज, सी है पृथ्वीराज चौहान, डी है आपका विग्रहराज चतुर्थ। आप लोग आंसर दीजिएगा। देखिए इसके आंसर में बड़ा मिला जुला उत्तर आ रहा है, आप लोग इसका सही आंसर देने का कष्ट करिए, काफी लोगों ने इसका आंसर गलत दिया है। देखिए इसका ऑप्शन बी, जिन लोगों ने मिहिर भोज को लगाया है वह क्या है, बिल्कुल सही है। मिहिर भोज क्या थे आपके, भगवान विष्णु के क्या थे, परम भक्त थे, या शिव के भी क्या थे, शिव की भी उपासना करते थे। वह कौन है आपके, मिहिर भोज। जिन लोगों का ऑप्शन बी लगा है वे क्या है आपके, बिल्कुल सही आंसर है, बी वाले बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन चौदहवें पर। अब देखिए चौदहवां क्वेश्चन राजस्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर दिया है, राजस्थान के इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम श्रेय किसे जाता है? पहला है जेम्स टाड, बी है जॉर्ज थॉमस, सी है मुहूर्त नेशड़ी, डी है आपका श्यामल दास। आप लोग आंसर 14 का दीजिएगा। चलिए बहुत सही आप लोगों का। देखिए यहां पर जो आंसर है, जेम्स टाट अंग्रेज अधिकारी थे, यहां पर उत्तर आपका ए सही है। उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, जेम्स टाट क्या थे, अंग्रेज अधिकारी थे, यह उदयपुर आए। इन्होंने जो क्या है, इन्होंने राजस्थान को लिखा, इन्होंने क्या किया, राजस्थान के बारे में लिखा, इसीलिए इनको राजस्थान के इतिहास का पितामह भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आपके पंद्रहवें क्वेश्चन पर।
पंद्रहवां क्वेश्चन देखिएगा, हवा महल स्थित है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, सांगानेर में। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। हवा महल स्थित है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसके आंसर मैं चाहता हूं सब के सब लोग सही दें। देखिए इसका आंसर सब लोगों ने सही दिया है। इसका क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हवा महल कहां स्थित है? आपके जयपुर में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सोलहवां क्वेश्चन देखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया? अर्थात इन चारों वाक्यों में स्वामी दयानंद सरस्वती के कौन से वाक्य हैं? ए आपका ऑप्शन है वेदों की ओर लौटो, बी है आपका हे राम, सी है करो या मरो, डी है जन गण मन। ठीक है आप लोग, बहुत अच्छा आंसर है। अब देखिएगा यहां पर जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा? वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती भारतीय संस्कृत और वेदों के क्या थे? ज्ञाता थे। इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने क्या किया? भारतीय संस्कृत को संरक्षित करने के लिए, ठीक है, इन्होंने क्या कहा? वेदों की ओर लौटो। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 17वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा 17वां क्वेश्चन, नाथ द्वार, यहां द्वारा नहीं यहां पर द्वार है, नाथ द्वार में श्री नाथ जी की मूर्ति औरंगजेब के समय कहां से लाई गई थी? क्वेश्चन देखिएगा, नाथ द्वार में श्री नाथ जी की मूर्ति औरंगजेब के समय कहां से लाई गई थी? ऑप्शन ए है आपका मथुरा, बी है काशी, सी है हरिद्वार, डी है वृंदावन। आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। देखिए कल हम नाथ द्वार शैली के बारे में आपको बता दिए हैं। यह औरंगजेब की समय की घटना है। औरंगजेब जब मुगल काल का शासक बनता है, वे अब क्या करता है? अपने साम्राज्य में आने वाले मंदिरों को तुड़वाता है। एक स्थान से क्या किया, अभी स्थान बताएंगे वह कौन सा स्थान था, वहां पर मंदिर तुड़वा रहा था। वहां के पुजारी ने श्री नाथ जी भगवान की मूर्ति लेकर कहा राजस्थान की तरफ बढ़े, और मेवाड़ के शासक ने उस जो है मूर्ति को स्थापित किया। राजस्थान के सीहर नामक स्थान पर उस मूर्ति की स्थापना की गई। और वह कहां से ले गए? वह स्थान आपका कौन सा है? वृंदावन। जिन लोगों ने ऑप्शन डी लगाया है उनका बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी आपका सही है, क्या आपका वृंदावन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिन लोगों ने डी लगाया है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। देखिए जो यहां से नाथ द्वार शैली से जो क्वेश्चन पूछता है, कई प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि जो है वहां पर नाथ द्वार किस लिए प्रसिद्ध है। यह जो है पिछवाई कला के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर भगवान कृष्ण के जो पीछे मंदिर के पीछे का एक जो है पटचित्र बनाया जाता है जो बहुत ही फेमस है। यह मंदिर कब स्थापित हुई? औरंगजेब के समय स्थापित हुई। किसने स्थापित किया? मेवाड़ के शासक ने स्थापित किया। अब अगला क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन 18वें पर। देखिए 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18वां क्वेश्चन कर रहा है काली बंगा का शाब्दिक आशय है। आप लोग आंसर दीजिएगा 18वें क्वेश्चन का। 18वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए, काली बंगा का शाब्दिक आशय है। ऑप्शन ए है आपका काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां, बी
ठीक है, यहां पर ठीक है, यहां पर ऑप्शन ए है काले रंग की लड़ियां, बी है आपका काले रंग की चूड़ियां, सी है क्या काले रंग की जूतियां, काले रंग की मटकियां। आप लोग आंसर दीजिएगा। आप सभी लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है। यहां पर काली बंगा का शाब्दिक आशय है काले रंग की चूड़ियां। देखिए काली बंगा के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं। काली बंगा हड़प्पा कालीन पुरास्थल है। काली बंगा हड़प्पा कालीन पुरास्थल है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में क्या है आपका स्थित है। यह घग्घर नदी के किनारे पर क्या है स्थित है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके 19वें क्वेश्चन पर चलिए देखिएगा। जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी। जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी। ऑप्शन ए है आपका विद्याधर भट्टाचार्य, बी है आपका मिर्जा इस्माइल, सी है कर्नल जेम्स टॉड, डी है आपका राजकुमार अल्बर्ट। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। इसका ऑप्शन है विद्या। देखिए आप लोग आंसर दीजिएगा। बहुत सही आप लोगों का आंसर। देखिए जिन लोगों ने ऑप्शन ए लगाया है विद्याधर भट्टाचार्य, उन लोगों का आंसर क्या है आपका बिल्कुल इसका आंसर सही। 18 नवंबर 1727 ईस्वी को जयपुर की स्थापना हुई थी। सवाई जयसिंह ने क्या किया था, जयपुर की स्थापना किया था और उसके वास्तुकार कौन थे, विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है चलते हैं हम अगले क्वेश्चन 20वें पर। देखिए 20वां क्वेश्चन, ढूढ़ार राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की थी। आप लोग याद देखिएगा 20वां क्वेश्चन, ढूढ़ार राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की थी। देखिए क्या है यहां पर, यह जो राज्य है अर्थात जो आपका मेवाड़ मारवाड़ ढूढ़ार ठीक, ये सब राज्य जो है कला क्षेत्र के आधार पे स्थापित हुई थी। आपका यह ढूढ़ार शैली जो है कला क्षेत्र के लिए बहुत ही प्रचलित है, जिसमें जयपुर उनियारा शेखावटी आदि कला आज जो है कला शैलियां प्रचलित हैं। आपका ऑप्शन ए है राय सिंह, बी है आपका पंचनदेव, सी है आपका चंद्रदेव, डी है आपका दुल्हराय। आप लोग आंसर दीजिएगा इसका कौन सा उत्तर सही है। पिंटू मीना जी का आंसर बहुत सही है। देखिए जो भी छात्र जो है आंसर डी लगाए हैं दुल्हराज, उनका क्या है बिल्कुल सही है। ढूढ़ार शैली के अंतर्गत कई उप शैलियां आती हैं, जैसे ढूढ़ार शैली के अंतर्गत जयपुर अलवर, इसमें क्या आता है ढूढ़ार शैली के अंतर्गत जयपुर अलवर शेखावटी उनियारा। यह क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए यहां से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ सकता है। जयपुर अलवर शेखावटी उनियारा जो यह कला क्षेत्र की जो उप शैलियां हैं यह किसके अंतर्गत आती हैं, यह ढूढ़ार राज्य के अंतर्गत आती हैं और इसके संस्थापक कौन है आपके दुल्हराय हैं। चलिए अब हम 21वें क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 21वां क्वेश्चन देखिएगा। अभी हम आपको इसका आंसर बताए हैं। चलिए आप इसका आंसर बताने कष्ट करिएगा। काली बंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यह प्रसिद्ध स्थान निम्न में से किस जिले में स्थित है। अर्थात जो हड़प्पा सभ्यता का जो पुरास्थल काली बंगा है वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है। आप लोग आंसर दीजिएगा। देखिएगा इसका आंसर क्या है आपका हनुमानगढ़।
यहां से कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। यहां पर काफी चीजें पाई गई हैं, यहां पर जुड़े हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, यहां शैल्य जो है शैल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं, यहां पर हमको टाइल्स के प्रमाण मिले हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 22वें पर। चलिए 22वां क्वेश्चन देखिएगा। दीन ए इलाही का प्रथम हिंदू अनुयायी था, अर्थात जो अकबर द्वारा स्थापित किया गया जो धर्म था दीन ए इलाही, किस हिंदू ने उसको क्या किया, मान लिया। वह इसमें ऑप्शन है आपका मान सिंह, बी है बीरबल, सी है आपका प्रताप सिंह, डी है आपका तानसेन। आप लोग आंसर दीजिएगा। रीनू चौरसिया का आंसर बिल्कुल सही है, देखिए जिन लोगों का आंसर, मुकेश जी का आंसर बिल्कुल सही, देखिए जिन लोगों का आंसर इसमें बी सही है, अर्थात जिन लोगों ने बीरबल लगाया है उनका आंसर क्या है आपका बिल्कुल सही है, अर्थात 22वें का आंसर क्या है आपका बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23वां क्वेश्चन। देखिए जब आप लोगों का क्वेश्चन हो जाए, जब 35 क्वेश्चन की श्रृंखला आपकी खत्म हो जाए, तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से यह बताने का प्रयास करिएगा किसका कितना क्वेश्चन सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यह जो है मौर्य काल से संबंधित क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन अधिकांशतः जो है पेपर में पूछता है वह है आपका भव्य बैराट शिलालेख। अशोक भव्य बैराट शिलालेख कहां से मिला, वह कौन सा स्थान है। दूसरा देखिए नाम, देखिए यहां पर आधा नाम दिया है, जब आप लोग पढ़ते हैं देख मिलता है भव्य बैराट शिलालेख, उसका पूरा नाम है भव्य अभिलेख, कहां पर मिला है आपका बैराट, अर्थात इसका ए आंसर क्या है बिल्कुल सही है। अशोक प्राचीन भारतीय इतिहास का पहला शासक था जिसने अपने क्या किए आदेश धर्मादेश इन लोगों को क्या किया शिलाओं पर लिखाया, ठीक, अर्थात वह कौन सा है आपका भव्य बैराट, इसका नाम पूरा क्या है भव्य बैराट शिलालेख। यह अशोक सम्राट, यह जो है मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में क्या किया गया था स्थापित किया गया था, यह राजस्थान क्षेत्र में, यह स्थान कहां पर है आपके राजस्थान क्षेत्र में स्थित है। इसमें अशोक के राजा देश लिखे गए हैं, धर्मादेश लिखे गए हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन 24वें क्वेश्चन पर। देखिए 24वां क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 24वां। बागोर सभ्यता का विकास किस नदी पर हुआ था, देखिए बागोर सभ्यता का विकास किस नदी पर हुआ था, 24वें क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा। देखिएगा बागोर, बागोर आपके राजस्थान क्षेत्र में है। जब आप प्राचीन भारतीय इतिहास में मध्य पाषाण काल पढ़ रहे होंगे तो उसमें बताया जाता है कि राजस्थान का बागोर क्षेत्र और मध्य प्रदेश का आदमगढ़ क्षेत्र से, आजमगढ़ नहीं आदमगढ़ क्षेत्र से हमको पशुपालन का प्रमाण मिलता है, ठीक, अर्थात तो हमको पशुपालन का प्रमाण बागोर से और कहां से एमपी, यह जो है यह क्षेत्र कहां पर है आपके राजस्थान में है। एमपी में कौन सा स्थान था आदमगढ़, आदमगढ़ था, और इन दोनों क्षेत्रों से हमको जो है पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, किसके प्रमाण मिलते हैं पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। उसका आंसर ए क्या है, किस नदी पर है आपका कोठारी नदी पर है। जिन लोगों ने ऑप्शन ए लगाया है उनका जो है बिल्कुल सही ऑप्शन क्या है ए बिल्कुल सही है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 25वें क्वेश्चन पर। देखिए 25वां क्वेश्चन है, चौहान वंश का संस्थापक कौन था, चौहान वंश का संस्थापक कौन थे। ए ऑप्शन है वासुदेव चौहान, बी है आपका पृथ्वीराज तृतीय, डी सी है आपका अलोराज, डी है आपका अजय राय चौहान। आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिएगा।
चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। देखिए चौहानों की कई शाखा थी, एक शाखा थी शाकंभरी चौहान जिनका क्षेत्र अजमेर के आसपास था, ठीक है। उसके संस्थापक कौन है आपके, वासुदेव चौहान। जिन लोगों ने ऑप्शन ए लगाया है उनका क्या है, बिल्कुल सही है। कुछ लोगों ने ऑप्शन जो है बी लगाया है, यह बिल्कुल गलत है। ऑप्शन इसमें क्या है, इसका ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन 26वें पर। देखिएगा 26वां क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा। बहुत ही सरल क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा। ए ऑप्शन है खिजराबाद, बी है आपका खैराबाद, सी है आपका जमालाबाद, डी है आपका मुमिनाबाद। आप लोग कमेंट्स के माध्यम से इसका उत्तर जल्दी जल्दी दीजिएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय के उपरांत अपने पुत्र खिज्र खां, इनके पुत्र का नाम क्या था, खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख दिए थे, खिजराबाद। जिन लोगों ने ऑप्शन ए लगाया है उसका क्या है, बिल्कुल सही है। 90% लोगों का उत्तर क्या था, बिल्कुल सही था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन 27वें पर। अब देखिएगा 27वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। शेर शाह सूरी ने यह कथन, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली का सल्तनत खो चुका था, इसका मतलब कि एक छोटे से राज्य प्राप्त करने के लिए, अर्थात वहां का शासक ने इतने अच्छे ढंग से लड़ा, अर्थात यह संघर्ष इतना ही जो है प्रबल था कि जहां पर शेर शाह हारते हारते बच गए। उन्होंने कहा अगर यह राज्य क्या होता, अगर उस राज्य के राजा अगर हमको हरा देते, आज हम जो है सल्तनत काल का राज्य क्या होता, दिल्ली सल्तनत का राज्य हमसे चला जाता। ए देखिएगा ग्री सामेल, बी है आपका पाहेवा का युद्ध, सी है आपका दौराई का युद्ध, डी है आपका धर्मत का युद्ध। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग कमेंट्स के माध्यम से जल्दी जल्दी उत्तर दीजिएगा। बहुत लोगों ने उत्तर बहुत ही सही दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का उत्तर जो है बिल्कुल गलत है। आप लोग ध्यान से जो है इसका उत्तर दीजिएगा, 27वें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, आप लोग आंसर दीजिए, बहुत सही। देखिएगा इसमें जो है गिर सामेल बिल्कुल सही है, इसका आंसर क्या है आपका, गिर सामेल। आप लोगों का आंसर बहुत ही सही आया। देखिए मारवाड़ के शासक कौन थे, मालदेव। मारवाड़ के शासक वहां पर क्या था, मूल मारवाड़ के शासक मालदेव थे, जिनसे युद्ध किसका हुआ, शेरशाह सूरी से। इनके भी दो प्रबल सरदार थे जिनका नाम था जयता और कुंभा, जिनका नाम क्या था, जयता और कुंभा ने इस युद्ध को इतने अच्छे ढंग से लड़ा कि किसी प्रकार वो है शेरशाह सूरी क्या किए, इस युद्ध को जीत पाए। इसीलिए शेरशाह सूरी इस युद्ध के बारे में कहते हैं, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली का सल्तनत खो चुका था। वह स्थान इस युद्ध को क्या कहा जाता है, गिर सामेल युद्ध। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन 28वें के लिए। 28वां क्वेश्चन देखिएगा, यह क्वेश्चन कल दूसरे स्वरूप में कल आपके सामने प्रस्तुत हुआ था। यह क्वेश्चन देखिएगा, सवाई जयसिंह ने 5 वेदशालाओं का निर्माण किस उद्देश्य से किया था। पहला देखिएगा विदेशियों को आकर्षित करने हेतु, बी है आपका खगोल की अध्ययन हेतु, सी है आपका प्राकृतिक समस्याओं की जानकारी, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। हमने बताया सवाई जयसिंह को मध्यकाल का जो है भविष्यवक्ता आचार्य ज्योतिषाचार्य के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 5 स्थानों पर क्या किया, जंतर मंतर या वेदशालाओं का निर्माण किया। स्थान क्या है आपका, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा। इन 5 स्थानों पर इन्होंने वेदशालाओं का निर्माण किया, जिनको हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। उसका संबंध खगोल के अध्ययन से संबंधित था।
जिन लोगों ने आप संग बी लगाया है आप लोगों का बिल्कुल सही है, 90% लोगों ने दिखा कि आंसर बिल्कुल सही लगाए हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 29वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए 29वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह, जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नागरी दास के नाम से प्रसिद्ध निम्न में से कौन से है? 29वां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, नागरी दास के नाम से निम्न में से कौन से प्रसिद्ध है? आप लोग 29वें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बहुत लोग आंसर गलत दे रहे हैं, आप लोग आंसर बिल्कुल सही दीजिएगा। चलिए बहुत सही, चलिए आंसर इसका बताते हैं। देखिए नागरिक दास जो है, हाँ आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। देखिए नागरिक दास जो है किशनगढ़ शैली से संबंधित थे। नागरिक दास क्या थे? किशनगढ़ शैली से संबंधित थे। जो इनकी रचनाएं थी जो है यह सामंत सिंह थे। यह क्या थे? सामंत सिंह जो है नागरिक दास के नाम से कविताएं लिखते थे। सामंत सिंह नागरी दास के नाम से उपनाम से कविताएं लिखते थे। यह किशनगढ़ शैली से संबंधित थे। इनका जो सबसे मुख्य चित्र है बनी ठनी का चित्र। यह क्वेश्चन पूछ सकता है मित्रों कि बनी ठनी का चित्र किस चित्रकार से संबंधित है? वह चित्रकार किससे संबंधित है? या तो नागरी दास पूछेगा या तो सामंत सिंह पूछेगा। बनी ठनी का चित्रण किसके लिए किया गया है? राधा कृष्ण के लिए किया गया। बनी ठनी कौन थी? जरीना थी। ठीक, यहां पर बस आप लोग इतना याद कर लीजिएगा, बनी ठनी का चित्रण किसने किया था? नागरी दास ने किया था। यह किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? यह किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30वां क्वेश्चन। देखिए 30वां क्वेश्चन देखते हैं, वह कछवाहा शासक जो अकबर के नौ रत्नों में शामिल था। बहुत ही जो है सरल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही क्वेश्चन सरल है। इसका उत्तर वही है जिसकी बहन का नाम मानबाई था। ठीक है, जिसके बहन का, देखिए यहां पर देखेंगे तो भारमल, भारमल का नाम आप जानते होंगे। इनके एक पुत्र थे जिनका नाम क्या था? भगवान दास, भगवान दास। और इनकी पुत्री का क्या नाम था? हरखा बाई। इनके दो पुत्र, इनके तो दो, एक लड़का था जिनका नाम था मान सिंह, दूसरे थे आपके कौन? मान बाई। अब देखिएगा भारमल ने अपने पुत्री हरखा बाई का विवाह किससे किया था? अकबर से किया था, जिसको मरियम उज्जमानी के नाम से क्या होता है, जाना जाता है, जिनको मरियम उज्जमानी के नाम से या जोधा भाई के नाम से जाना जाता है। भारबल के पुत्र का क्या नाम था? भगवान दास। जिनके दो, जिनके पुत्र का नाम मान सिंह था, पत्नी का पोता, बहन का नाम क्या था? मानबाई। मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ हुआ था। मित्रों यहां से देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है, मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ हुआ था, जिन्होंने क्या किया था? अफीम खाकर आत्महत्या कर ली थी, जो इलाहाबाद के खुसरो बाग में इनको दफनाया गया है। और इनके जो भगवान दास के पुत्र मान सिंह थे, इनको नौ रत्नों में शामिल किया गया था। अर्थात इसका उत्तर क्या है? आपका ए है। जिन लोगों ने ऑप्शन ए लगाया था, 90% लोगों ने उत्तर बिल्कुल सही लगाया था, लेकिन हम इनके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी दे दिए। यहां पर अगला क्वेश्चन पूछता है, मानबाई की मृत्यु कैसे हुई थी? जो है जहर खाकर मानबाई की मृत्यु हुई थी। चलिए 31वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 31वां क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रावर का युद्ध किन दो शासकों के मध्य हुआ था? चंद्रावर का युद्ध किन दो शासकों के मध्य हुआ था? ए है आपका मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान तृतीय, मोहम्मद गोरी जयचंद्र गहवाल, सी है आपका दिवाल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी, डी है आपका राणा सांगा बाबर सिंह। आप लोग यह क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिएगा, चंद्रावर का युद्ध किन दो शासकों के मध्य हुआ था? 31वां क्वेश्चन।
चलिए आप लोग आंसर इसका दीजिएगा। देखिए इसका आंसर जो है यहां पर जो है गलत आंसर है, यहां पर जो है आपका आंसर जो इसमें कूट है या गलत है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, महाराणा सांगा की समाधि कहां है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका 22वां है, महाराणा सांगा की समाधि कहां है? ए चंदेरी, बी है कालपी, सी है आपका मांडलगढ़, डी है आपका खानवा। महाराणा सांगा की समाधि कहां है? महाराणा सांगा जब घायल हुए युद्ध में, उन्होंने स्वयं की इच्छा थी कि हमको इसी जगह क्या किया जाए, हमारा संस्कार किया जाए। वह आज इस समय वह स्थान एक छोटा सा कस्बा है। आप लोग आंसर लिखिएगा, ए है चंदेरी, बी है कालपी, सी है मांडलगढ़, डी है खानवा। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। आप लोगों के आंसर कुछ लोगों के सही आ रहे हैं, कुछ लोग गलत आ रहे हैं। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिएगा। बहुत सही। चलिए जिन लोगों का आंसर सी पर लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, यह है मांडलगढ़। मांडलगढ़ इस समय क्या है, छोटा सा कस्बा है। मांडलगढ़ क्या है आपका, छोटा सा कस्बा है। राणा सांगा जब युद्ध में क्या हुए, युद्ध में जब इनको जब युद्ध में ये धराशाही हो गए तो इन्होंने इच्छा अनुसार क्या किया गया, इनको मांडलगढ़ में इनका अंतिम संस्कार किया गया। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो है सी बिल्कुल सही है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 33वां क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, देखिएगा, चित्तौड़ के वे दो वीर जिनकी वीर गाथा पर मुग्ध होकर अकबर ने हाथियों पर चढ़ी हुई उनकी पाषाण मूर्तियां आगरे के किले पर लगाई है। अब देखिए यह क्वेश्चन तो कई बार, यह क्वेश्चन देखिए बदल कर कई स्वरूप में यह क्वेश्चन आ चुका है। हमने बताया अकबर ने क्या किया, चित्तौड़ पर आक्रमण किया। वहां के शासक कौन थे, उदय सिंह थे। उनके दो सरदार थे, ठीक। वह सरदार कौन थे जिनके युद्ध से प्रभावित होकर आगरे के किले के सम्मुख हाथी पर उनकी पाषाण मूर्तियां बनवाई हैं, वे दो हैं आपके जयमल और फत्ता सिंह। जयमल और फतेह सिंह, ऑप्शन सी। जिन लोगों ने ऑप्शन सी लगाया है उनका क्या है आपका, बिल्कुल सही। देखिए यह क्वेश्चन कम से कम आपके पास 2-3 बार आ चुका है, कई स्वरूप में आए हैं। इसका ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सी सही है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, 34वां क्वेश्चन। देखिएगा, खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1530 ईस्वी, 1527 ईस्वी, 1528 ईस्वी, 1526 ईस्वी। आप लोग इसका कमेंट्स के माध्यम से उत्तर दीजिए। बहुत ही सरल है, क्योंकि बाबर ने 4 युद्ध लड़ा था जो क्रम से है 26, 27, 28, 29, 1526, 1527, 1528, 1529। अब देखिएगा उनमें से खानवा का युद्ध कौन सा है, आप लोग आंसर दीजिएगा। खानवा का युद्ध जिन लोगों ने ऑप्शन बी लगाया है वह बिल्कुल सही है। देखिए बाबर का जो प्रथम युद्ध था वह पानीपत था, दूसरा खानवा था, तीसरा चंदेरी था और चौथा आपका घाघरा युद्ध था। अर्थात यह युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज के प्रश्नों की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन आपका है। चलिए इसमें नहीं है 35वां क्वेश्चन का, आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए यहां पर जो भी क्वेश्चन था महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, आप लोग उन क्वेश्चनों पर एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। अब हम अगले जो है क्लास में उपस्थित होंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।